अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आई हूँ आशियाना मार्केट, आई हूँ। यहाँ के तो कपड़े देख के मैं वैसे ही जो है ना, मतलब कि लेने के लिए क्या जाओ बंदा ले क्या लेता है। एनीवेज़ मैं जो हूँ ईद की शॉपिंग के लिए आई थी, मुझे कुछ फैंसी में लेना था, तो मैंने कहा यार आशियाना मार्केट चलते हैं, वहाँ से हम जो है ना कुछ फैंसी देखते हैं। इतने खूबसूरत खूबसूरत प्रिंट्स थे, इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे कि मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि बंदा क्या ले क्या ना ले। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया था और मैंने वो ले लिया था ईद के लिए, और बहुत ही अच्छा और रीज़नेबल मिल गया था मुझे। तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, हर तरह के सिल्क और जी मतलब दुपट्टे बहुत प्यारे प्यारे थे, शिफॉन के कपड़े थे और बहुत ही खूबसूरत जो है ना यहाँ पे कपड़े थे। वीडियो बना सकती हो ना? हाँ है, बोलो। Excuse me, this is Khandani suit. This is shirt. This is Chhattis brand. This one is Sara. This one is 23. This is Khandani color. This is Shabana. अब आपकी शॉप का नंबर डालती हूँ, कोई भी आए डिस्काउंट दे देना, ठीक है? दोगे ना डिस्काउंट? हाँ इंशाल्लाह। तो इस भाई को ना इंग्लिश बोलने का बड़ा ही शौक आ रहा था, मैंने भी कहा बोल लो भाई। दुकान वाले यहाँ पे बड़े अच्छे होते हैं, आपको डिस्काउंट भी देते हैं। आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पे तो आपको कोई डिस्काउंट मिल ही नहीं सकता, बिकॉज़ वहाँ पे जी जो एक प्राइस लगी हुई है वो लगी हुई है। तो डिस्काउंट और बार्गेनिंग करवाने का भी ना एक अपना ही मज़ा होता है, तो बड़ा मज़ा आता है अपनी मर्ज़ी से कपड़े ले के उस पर जी अच्छी खासी बहस करके पैसे कम करवाने का, और पैसे कम हो भी जाते हैं। आप जाएँ ना मॉल्स में, मॉल्स में जो है ना वही बात है कि मतलब जो प्राइस लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं भाई, उससे एक रुपया कम हो ही नहीं सकता। वहाँ पे ना बार्गेनिंग हो सकती है ना आप पैसे कम करवा सकते हैं। आप लोगों ने लेना है तो भाई उसी प्राइस में लेना है ना, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो उससे अच्छा नहीं है कि आप बाज़ार मार्केटों में जाके वही कपड़ा जो उन्होंने जो है ना ले के लोज मटेरियल में लगाया हुआ होता है, ले के स्टिच करके डिज़ाइन करके किया हुआ होता है, अब वही जो है ना मार्केट से आप कपड़ा लें और जी अपनी मर्ज़ी से अच्छा सा डिज़ाइन करवाएं उसको और जी पहने। मतलब कहाँ हज़ारों में वो दे रहे होते हैं, और यहाँ पे भी हज़ारों में ही, बट ये है कि उस प्राइस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, बहुत सस्ते में आप लोगों को मिल जाता है। तो यही है कि ब्रांड्स में जाएं, आप मॉल्स में जाएं, फैंसी कपड़े लें ईद के लिए। अगर आप फैंसी कपड़े आप लोगों को लेने हैं तो उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होता फैंसी कपड़ों का, रोज़ रोज़ पहनने में नहीं आते। तो वही बात है, आप महंगे कपड़े लेने से अच्छा आप मार्केट में जाके वही कपड़ा लें और अपनी मर्ज़ी से सिलवाएँ और ईद पर पहनें। ईद की शॉपिंग का, शादियों की शॉपिंग का भी ना एक मज़ा अलग ही होता है, और जो है ना जो मज़ा जो है ना आप लोगों को मार्केट्स में आता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि जी मॉल्स में या किसी ऐसी जगह पे जाके आता होगा शादियों की और ईद की शॉपिंग वगैरह का। एक तो काम इतने पेंडिंग होते हैं, मैंने टेलर के पास भी जाना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं जाऊँगी टेलर के पास और अपने जो कपड़े दूँगी वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो जी इतनी गर्मी है, गर्मी में दिन के टाइम पे तो आप निकलने का सोच ही नहीं सकते जो कराची में गर्मी है। तो जी मैं तो निकली ही शाम के टाइम पे थी, मतलब रात हो रही थी, शाम का टाइम था, ठंडे टाइम में जाके मैंने जो है ना शॉपिंग वगैरह की, कपड़े वगैरह किए लिए कुछ, मतलब बड़ा सुकून था, गर्मी भी नहीं थी ना ही इतना रश था। तो जी आशियाना मार्केट से तो हम निकल गए थे। असल में अकील मेरे साथ होते ना तो मैं ज़्यादा घूम भी नहीं सकती, मुझे जो चीज़ लेनी होती ना मैं वही लेती हूँ, क्योंकि मैं फजूल की चीज़ें ले नहीं सकती, क्योंकि वो बड़ा रोम करते हैं कि फजूल की चीज़ कोई नहीं ले ली, जो चीज़ लेनी हो वही लो और निकलो। तो जी वही चीज़ ली और जी निकल गए, वहाँ से निकल गए, सोनी सीट था हमारे करीब, वहाँ पर हम चले गए। और जी जहाँ पर मैंने कहा कि यार ज़रा ठंडा ठंडा कुछ कुल्फ़ा खा लेते हैं, तो मैंने यहाँ से ली थी कुल्फ़ी फालूदा, जो कि बड़े मज़े का ठंडा ठंडा यक था, और खाया था तो मज़ा आ गया था। यहाँ का कुल्फ़ा फालूदा जो है ना वो होता भी बड़े मज़े का है, अगर तो आप लोगों ने ट्राई नहीं किया हुआ तो आप मस्ट ट्राई करें, आप लोगों को इस गर्मी में जो है ना ठंडा ठंडा कुल्फ़ा फालूदा खाने का ना मज़ा आ जाना है।
तो खैर गाइज, अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप लोग सबसे पहले देखें और जल्दी जल्दी देखें, और जो वीडियोस को लाइक भी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो आप सब लोग रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज़, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।